मेरा हिजर नसी। पांच लाख रुपए चाहिए बस। मैं तुम्हें पांच पैसे भी नहीं दूंगा, बता कर जाया करो, पर कभी छुपाना भी मत। उसकी जिंदगी से चली जाओ। चली जाओ? हाँ, मेरे लिए तुम किसी को भी मार सकते हो। समीर ना करो तो। गौर प्लीज ऐसा मत करो। गौर रुक जाओ प्लीज। रुक जाओ। किसके लिए? आपके लिए? हो कौन? कौन हो? चलो मैं नहीं गेस करती, आप बता दो कौन हो आप। मैं भी किससे पूछ रही हूं जो खुद नहीं जानता वो कौन है। पता है, जब आपसे शादी हुई तो लगा कि जीने की वजह भी बाकी है, जिंदगी ने दिया ही क्या था सिवाय चंद खोखले रिश्तों के। वो रिश्ते जिनकी पासदारी का बरम होने पे इंसान टूटता नहीं है। मोहब्बत, वफा, दयानतदारी, ये सब होता क्या है मुझे कभी पता ही नहीं लगा। आपने जब हाथ बढ़ाया था ना मेरी तरफ, तो महसूस हुआ था कि जिंदगी ने अपने होने की नवीद सुनाई है। ऐसा महसूस हुआ था कि गौर अब मुश्किलात खत्म हो गई है, अब शुरू हुई है जिंदगी, अब दौर शुरू हुआ है रंगों का, खुशियों का। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मेरी शादी हुई किससे। समीर से या समीरा से? देखा, इस बार भी जिंदगी ने धोखा दे दिया मुझे। सब जिंदगी नहीं, नहीं, आपने, आपकी मां ने, जिसने मुझसे आपकी हकीकत छुपा के रखी। अरे दोगले इंसान के साथ तो फिर जिंदगी गुजारी जा सकती है, लेकिन एक कातिल के साथ,
नहीं आया, शर्म नहीं आई, शर्म नहीं आई एक मासूम लड़की की जान लेते हुए? हाँ नहीं, नहीं, ये झूठ है। नहीं, मैंने कोई कत्ल नहीं किया। अच्छा, तो तुमने कत्ल नहीं किया, क्यों कर रहे हो ये ड्रामा? बंद करो अपना ये ड्रामा, मैं कहती हूं बंद कर दो ये ड्रामा। मैंने कोई कत्ल नहीं किया। अच्छा, तो किसने किया? फिर किसने किया कत्ल? उसने किया। मेरे सामने ये बीमारों वाली बातें करना बंद करो। बीमार मत करना, मुझे बीमार नहीं हूं मैं। क्या मुझे बीमार हो गए? मेरी भी जान लेना चाहते हो उस लड़की की तरह? तो ठीक है मार दो। वैसे भी मुझे कोई शौक नहीं जिंदगी जीने का। ठीक है, आजाद करो मुझे जिंदगी से। नहीं, चलो एक डील बनाते हैं। अपना खून तो मैं तुम पे माफ करती हूं, ठीक है? ठीक कहा तुमने। तुम्हारे हर रिश्ते ने सिर्फ तुम्हें तकलीफ दी है ना। सही कहा तुमने, दी होगी, हर रिश्ते ने तुम्हें तकलीफ दी होगी, हर रिश्ते ने तुम्हें अजियत दी होगी, लेकिन कम से कम तुम्हारे पास रिश्ते हैं तो सही ना। लेकिन ये तसव्वुर करने की कोशिश करोगे और ये तसव्वुर करने की कोशिश करोगे एक बच्चा है, एक छोटा सा मासूम सा बच्चा, इसके पास सब कुछ था, प्यार करने वाले मां बाप, एक खुश हंसता खेलता हुआ घर, और फिर उस घर में एक सौतेली मां आ जाती है, हर चीज को आग लगा देती है। उस बच्चे का बाप मर जाता है, और उसकी मां, उसकी सगी मां उसको छोड़कर चली जाती है किसी और के साथ। उसने तुम्हारे बाप को धोखा दिया, ये सारी दुनिया जानती है। तुम्हारे बाप के साथ बेवफाई की उसने, और अगर मैं तुम्हारे बाप को उसका सहारा न देती तो ये कुछ भी ना होता। ये कैसे हो सकता है गौर? किसी और के साथ मेरी मां चली गई, कभी सुना है तुमने ऐसा? और अपने बच्चे को छोड़ गई,
मैंने तो सुना है कि माँ जन्नत में भी अपने बच्चों को साथ रखती है, जन्नत में जाएगी नहीं अपने बच्चों के पास। मैंने तो सुना है कि माँ जन्नत में भी अपने बच्चों को साथ रखती है, जन्नत में जाएगी नहीं अपने बच्चों के बगैर। झूठ सुना है मैंने, झूठ है। क्योंकि उसने तो अपने बच्चे को छोड़ दिया, हर रोज रात को एक तहखाने के अंधेरे में छोड़ दिया, जहां वो चिल्लाता रहा, अम्मी अम्मी अम्मी, अबू अबू अबू, अम्मी 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 अबू अम्मी अबू, मुझे यहां से निकाल दो, दरवाजा खोलो, अम्मी अबू। अगर किसी ने सोचे कि नहीं सुनी, अब तो मुझे बताओ कार उस बच्चे से क्या उम्मीद रखी जा सकती है? वो एबनॉर्मल ना हो तो क्या नॉर्मल होगा? उसे तो प्यार चाहिए था, हर बच्चे को सिर्फ प्यार चाहिए। फैसला मैं तुम पर छोड़ता हूं, और कि तुम इस बच्चे को प्यार करो या उसको पड़े रहने दो अंधेरे। क्या हो गया आपको? छोड़ा तुमने? अरे क्या कर रही है? What are you doing? कातिल हो तुम? समीर को कातिल साबित करने पे तुली हुई थी वो लड़की यार। यही बातें कर रही थी कि तुम्हारी बहन को खतरा है और क्या पता वो सच ही कह रही हो। दुनिया बेटा, आई एम रेडी फॉर द ऑफिस। क्या हुआ, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? ऑफिस नहीं जाना क्या? डैड आप चले जाए, मैं आई डोंट फील टू गुड राइट नाउ। मैं आपको बाद में ज्वाइन करती हूँ। क्यों, क्या हुआ? एवरीथिंग इज ओके विद यू? वैसे आई जस्ट फील अ लिटिल डिजी। नाश्ता करूंगी, कॉफी पीऊंगी तो आई एम श्योर आई विल बी फाइन। आप चाय में आ जाऊंगी। आर यू श्योर? ओके, बट प्रॉमिस मी, अगर तबीयत ठीक ना हो तो मुझे फोन करके बता देना। डैड आई प्रॉमिस, चाय अब आपको देर हो जाएगी। ओके गुड गुड बाय। प्यार खत्म नहीं हुआ, लेकिन मिलता भी नसीब वालों को। तेरा हिज्र है या मेरा रकीब, मैं पर
अपनी फैमिली के मुस्तकबिल के लिए मैंने कदम पीछे हटा दिया। उस दिन के बाद से हंसना भूल गया, शायद कभी दुआ भी नहीं मांगी उस दिन के बाद। चलिए, दुआ के लिए हाथ उठाता हूँ तो सोचता हूँ कि किसी का दिल दुखाने के बाद किस मुंह से दुआ मांगूं। कभी उससे बात करने की कोशिश नहीं की इस बारे में? करने से क्या होगा, मोहब्बत में किसी एक को तो मुजरिम ठहराना होता है, और मेरे केस में मैं जानता हूँ कि मैं ही मुजरिम हूँ, बस सजा का इंतजार करना बाकी है। Hello, Assalamualaikum. Is this Samir Enterprises? Yes, ma'am. मैं actually एक important काम से आपको call की है। Mrs. Gaur बहुत अच्छी दोस्त है मेरी, मेरा phone गुम गया था तो उनका number मेरे से गुम गया है। Kindly आप उनका number मुझे दे सकती हैं? रात बड़ा शोर था तुम्हारे कमरे में, लगता है रात बड़ी हंगामा खेज गुजरी। आपको तो अब तक आदी हो जाना चाहिए था इस शोर शराबे का। समीर तो सवेरे ही निकल गया काम के लिए, माँ से मिलकर भी नहीं गया। तुम कहाँ थी रात को? सोने की जगह नहीं मिल रही थी तो मेरे कमरे में आ जाती, जमीन पर बहुत जगह है। जानती हूं बहुत बड़ा दिल है आपका, जाने कितने लोगों पे जमीन तंग कर रखी है आपने। लेकिन एक बात याद रखिए कि मैं भी हार मानने वालों में से नहीं। रात कमरे से तो निकाल दिया उसने, अब देखते हैं घर की दहलीज से कब बाहर धकेलता है। Everything is all right. ब्लड प्रेशर शूट कर गया था। ये तो अच्छा हुआ कि आपने मुझे वक्त पर कॉल कर दी। मैंने मेडिसिन दे दी है, आँख खुलेगी तो इंशाल्लाह अच्छा महसूस करेंगी। मैं राउंड के बाद दोबारा आऊँगा। थैंक यू डॉक्टर। समझ में नहीं आ रहा मुझे, ये डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर, ये तो परेशानी की निशानियां हैं। हालांकि बहुत खुश थी कल तक, मेरे साथ बैठकर वेडिंग प्लानिंग शेयर कर रही थी। समझ में नहीं आ रहा है अचानक क्या हो गया। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि ये सब अब क्यों हो रहा है। तुम दोनों के दरमियान कोई झगड़ा, कोई टेंशन या कोई इख्तलाफ तो नहीं? अरे नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो खुद दुनिया को कॉल कर रहा था, इसने कॉल अटेंड नहीं की, मैंने मैसेज किया, इसने रिप्लाई नहीं किया। मैं सोचा कि मैं घर आके से मिलूंगा, बात करूंगा, लेकिन फिर आपकी कॉल आ गई कि दुनिया की तबीयत खराब है हॉस्पिटल में। नहीं काशिप, नहीं, जरूर कोई ऐसी बात है जिससे हम दोनों लाइन में। काशिप मेरी बेटी, बहुत दुआओं और मन्नतों के बाद
जिंदगी की तरफ लौटी है। ऐसे दोबारा खोना अफोर्ड नहीं कर सकता। आप प्लीज परेशान ना हो, शी बी फाइन इंशाल्लाह। मैंने तो अपने तौर से बहुत कोशिश की है, बस देखिए अब किसी ना किसी तरह रात गुजर ही गई है। But be very careful, Miss Goa. She can be very volatile and very, very dangerous in those specific moments. समीर अपने अंदर की दोहरी शख्सियत से इतनी आसानी से जान नहीं छुड़ा सकती, और ये बात उसकी अपनी जिंदगी के लिए भी खतरनाक साबित हो सकती है, और आपके लिए भी। Yeah, I know. मुझे अपनी जिंदगी की कोई परवाह नहीं डॉक्टर साहब, लेकिन हाँ, समीर को इस साए के कब्जे से निकालने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। अब एक बड़ा इम्तिहान और भी है, दुआ कीजिए कि मुझे हिम्मत मिले। मे गॉड ब्लेस, मगर बहुत एहतियात से। थैंक यू, खुदा हाफिज़। शायद अब खुली गई आंखें मेरी। कभी कभी हम कितना वक्त लगा देते हैं ना आंखें खोलने में। अरे नहीं, कहां देर हुई है, वैसे भी हम सब नहीं थे तुम्हारे पास। तुम थे मेरे पास, मुझे पता क्यों नहीं चला। डॉक्टर ने ज्यादा बोलने से मना किया। डैड की तरह मुझे कुछ बात करनी है उनसे। यही थे कि मैं नबी सरदस्ती में घर भेजा ताकि थोड़ा सा आराम करें। ज्यादा बातें मत करो, तुमसे तो मैं बाद में पूछूंगा। टेंशन क्यों है अपने सर पे, इतनी टेंशन क्यों सवार की है तुम? काशिफ, एक्चुअली मुझे तुमसे भी बात करनी है। बातें करने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी, लेकिन अभी आप अपनी आंखें और होंठ दोनों बंद करें, आराम से सोचा। तुम्हें कहीं जाना नहीं है, कोई तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा होगा। मेरा मतलब है कि तुम्हारी फैमिली। उनकी फिक्र मत करें, मैं यही हूं आपके पास। अब सो जाओ। अम्मी, 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 अबू, समीरा,
अम्मी मर गई है समीरा। अबू नहीं मन करो मुझे दरवाजा खोलो खोलो दरवाजा खोलो। कौन हो तुम? तुम कहाँ चली गई थी? तुम मुझे बंद करते थे, मुझे तहखाने में बंद करते थे। तुम कहाँ चली गई थी? मुझे बहुत डर लगता था, रोज रात को डरता था मैं। मुझे रोज एक नई बला नजर आती थी, उसके लंबे लंबे दांत थे और वो खौफनाक लहला करती। मैं कहता था खोलो दरवाजा खोलो, कोई नहीं खोलता। अब कोई दरवाजा बंद नहीं करेगा। हाँ मैं आ गई हूँ ना, अब बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे पास हूँ। मैं अकेला तो नहीं सो सकता। चलो इधर आ जाओ, इधर आ। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। मैं अब हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं नहीं सोया, बहुत दिन हो गए मैंने नहीं सोचा। वजन नहीं बंद करना अच्छा? नहीं बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। किसी ने बंद किया ना तो बहुत मारूंगी उसे। हाँ कुल बंद नहीं करेगा कोई, सोचो।
आज इस व्हीलचेयर पे बैठने की जरूरत क्यों पड़ गई? ऐसे मैंने सोचा कहीं आउट ऑफ प्रैक्टिस ना हो गई, फिर से थोड़ी आदत डाल ली जाए। इस व्हीलचेयर की अब इस घर में कोई जगह नहीं है, क्योंकि तुम्हें दोबारा इसकी कभी जरूरत नहीं पड़ने वाली। जिंदगी में कब किस चीज की दोबारा जरूरत पड़ जाए पता थोड़ी चलता है। और वैसे भी ये व्हीलचेयर तो मेरी बहुत पुरानी साथी, जब मेरे अपने पांवों ने मेरे अपनों की तरह मेरा साथ छोड़ दिया था। ये थी मेरे साथ तब भी, बल्कि अब तो मैं सोच रही हूं कि इसे वापस अपने कमरे में रख दूं। क्या बात हुई है? ये तुम मुझे बताओ, क्या बात हो सकती है? कहीं कुछ ऐसा तो नहीं जो तुम मुझसे कहना चाहते हो, जो तुमने अब तक ना कहा हो? ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। आर यू श्योर? आर यू? तो ये गोगो कौन है? हा? वो छिटान भर की लड़की मुझे नीचा दिखाना चाहती है। अब देखो मैं उसके साथ करती क्या, सारा जमाना देखेगा। तुम ऐसा करो, मुझे उसके पुराने मंगेतर का नंबर कहीं से ढूंढ के भेजो। हाँ हाँ, वही जिसने उसके ऊपर तेजाब फेंका था। कोई जवाब नहीं है तुम्हारे पास? पहले तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन कभी कोई मजबूरी आड़े आ गई, कभी हालात ऐसे हो गए। हालात, हालात! तुम सब मर्दों की जिंदगी में एक वाहिद एक्सक्यूज यही है ना? ये हालात ही हमेशा क्यों आड़े आ जाते हैं तुम लोगों के? मान क्यों नहीं लेते कि तुमने झूठ बोला है मुझसे? धोखा दिया तुमने मुझे। क्या खुशी मिलती है तुम लोगों को? क्या खुशी मिलती है यूं धोखा देके, किसी का दिल यूं दुखा के? बहुत बहुत सेटिस्फेक्शन मिलती होगी ना? मैं जानना चाहती हूँ क्या है वो खुशी, क्या है वो सेटिस्फेक्शन? पता चले मुझे भी ऐसी क्यों है वो सेटिस्फेक्शन? दिल में चोर नहीं था तुम्हारे, तो मुझे बता सकते थे तुम। मुझसे छुप छुप के मिलने की क्या जरूरत थी तुम्हें? तुम जानते थे मेरी सबसे बड़ी ताकत, मेरी सबसे बड़ी कमजोरी भरोसा है मेरा। तुमने वो भरोसा तोड़ दिया मेरा। एक बार फिर अच्छी खासी बेवकूफ बन गई मैं जिंदगी के हाथों। एक बार फिर मुझे नजर ही नहीं आया कि दुनिया ये जिंदगी मेरे साथ कर क्या रही है। मैं देख ही नहीं सकी, अपनी आंखों के सामने एक इंसान को ऐसे धोखा देते हुए मैं देख ही नहीं सकी कि हो क्या रहा है मेरे साथ। व्हाट अ फूल आई एम, व्हाट अ फूल आई एम। सब मैं कुछ भी कहूंगा तो मेरा यकीन नहीं करोगे। सही कह रहा हूं, अब तो तुम कुछ भी कहोगे तो यकीन नहीं आएगा मुझे। वो जगह तुम खो चुके हो मेरी जिंदगी से। तेरा इश्क है सहे नसीब।
जाने से पहले सिर्फ एक बात कहूंगा, मैंने कभी तुम्हें धोखा नहीं दिया। तेरा हिज्र है या मेरा रकीब, मैं पास हूं तू नहीं करीब, हुए यार दुश्मन कोई हबीब, तेरा इश्क है जहे नसीब, मेरा हिज्र है जहे नसीब, जहे नसीब, जहे नसीब, जहे नसीब, जहे नसीब, जहे नसीब, जहे नसीब।